वेलकम स्टूडेंट्स, हमने जैसे कि प्रेडिकेट लॉजिक के अभी तक न्यूमेरिकल देखे, अब यहाँ पे हम उसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी को और बढ़ाते हैं और हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, न्यूमेरिकल कहता है कुछ सेंटेंसेस, और पहला सेंटेंस है इफ एक्स इज ऑन टॉप ऑफ वाई, वाई सपोर्ट्स एक्स। इफ एक्स इज ऑन टॉप ऑफ वाई, अगर एक्स जो है वो वाई के ऊपर है तो वाई जाहिर सी बात है उसको एक्स को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद है If x is above y and they are touching each other, if x is above y and they are touching each other, उन दोनों की सरफेस जो है एक दूसरे को टच कर रही है, इसका मतलब ये होता है x is on top of y। उसके बाद लिखा है a cup is above a book, एक किताब है उसके ऊपर एक कप रखा हुआ है, और दूसरा लिखा हुआ है a cup is touching a book। चार अलग अलग स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, और उसमें सबसे पहला जो मांगा गया है, आपसे मांगा गया है कि सबसे पहले तो इन स्टेटमेंट्स को प्रेडिकेट लॉजिक फॉर्मूले में कन्वर्ट करिए, जब ये हो जाए तो उसके अंदर क्लॉज फॉर्म लगाइए, और जब वो भी हो जाए तो तीसरा आंसर में लिखिए रेजोल्यूशन एल्गोरिथम लगा के, प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन लगा के प्रूफ करिए बुक सपोर्ट्स कप। तो इस न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि कौन कौन से प्रेडिकेट्स इस्तेमाल होंगे। तो हम वही जैसा कि बाकी सारे न्यूमेरिकल्स में करते आ रहे हैं, फॉलोइंग प्रेडिकेट्स आर यूज, और प्रेडिकेट में यूज करूंगा, सबसे पहला यूज करूंगा टॉप एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब आप जानते हो क्या, एक्स इज ऑन टॉप ऑफ वाई। दूसरा मैं यूज करूंगा सपोर्ट एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब होता है एक्स supports y। उसके बाद मैं यूज करूंगा, सपोर्ट के बाद यूज करूंगा above, above x comma y, जिसका मतलब होगा x is above y। उसके बाद मैं यूज करूंगा touch, ये मुझे इतनी चीजें दिख रही हैं कि मैं इतनी चीजों से ये न्यूमेरिकल को शायद सॉल्व कर लूंगा। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व किया नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं जो उसके पहले जो प्री रिक्विजिट्स लगने हैं वो लिख रहा हूं। इसमें लिखूंगा मैं x टचेस y। चार तरह के प्रेडिकेट में इस्तेमाल करूंगा, और अब मैं इन चारों तरह के प्रेडिकेट से इन चार लाइनों का मतलब समझाऊंगा, जिसमें सबसे पहली बात आती है कि इफ If, जो पहला स्टेटमेंट था if x is on top of y, अगर मान लीजिए x जो है वो y के टॉप पे रखा है, तो इस बात का मतलब होता है कि y जो है वो x को सपोर्ट कर रहा है। तो पहला प्रेडिकेट में लिखूंगा यहां पे, अगर x is on top of y, x जो है वो y के टॉप पे रखा है, तो y supports x, यही था पहला स्टेटमेंट। अगर उन्होंने बोला कि अगर x is on top of y, तो y supports x, पहला स्टेटमेंट कंप्लीट। ये असल में हम जो कर रहे हैं बेसिकली a का आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि a जो था उसमें कहा था कि जितने भी आपको प्रेडिकेट्स हैं, जितने भी स्टेटमेंट हैं, उनको प्रेडिकेट लॉजिक में कन्वर्ट कर, अभी हम सिंपली प्रेडिकेट लॉजिक में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ x इज अबव y, if x is above y and they are touching each other, if x is above y and they are touching each other, which means x is on top of y, matlab main yahan pe use karunga point number 2 jo hai wo use karunga, if x is above y and they are touching each other, matlab x touches y, to x is on top of y, simple as that। दो स्टेटमेंट थे, काफी मुश्किल थे लेकिन हो गए। उसके बाद जो अगले स्टेटमेंट है, a cup is above a book, बहुत आसान, कुछ नहीं करिएगा, above लीजिएगा, above भैया लिखूंगा cup comma book। उसके बाद है a cup is touching a book, तो मैं चौथे नंबर पे लिखता हूं touch cup, comma,
मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के अंदर जो तीन बातें पूछी गई थी उसमें से एक बात का जवाब तो आपको मिल गया, वो है कि आपने उसको प्रेडिकेट लॉजिक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया। अब इस न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट, इस न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट कहता है कि जो भी तुमने FOPL बनाया है, जो भी तुमने प्रेडिकेट लॉजिक बनाया है उसको क्लॉज फॉर्म में कन्वर्ट करिए। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये तीन नंबर है और ये चार नंबर है, ये ऑलरेडी क्लॉज फॉर्म में है। क्लॉज फॉर्म की शर्त क्या होती है? क्लॉज फॉर्म की शर्त ये होती है कि सिर्फ नेगेशन दिखना चाहिए और दिखना चाहिए, उसके अलावा कोई भी सिंबल नहीं चलेगा। और वैसे भी अबव और टच के पास तो कोई सिंबल है ही नहीं, तो वैसे भी इनका कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे दिक्कत है, ये एम्प्लाइज से हमें तकलीफ है, ये एंड से भी तकलीफ है, इससे भी तकलीफ है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लॉज फॉर्म की तरफ जाएंगे और अगली बात लिखेंगे कि हम इसको क्लॉज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्लॉज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, बी पॉइंट को, बी पॉइंट में यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप देखें जरा क्या लिखा है, टॉप एक्स कॉमा एक्स कॉमा वाई, मतलब ए इंप्लाइज बी। फॉर्मूला कहता है ए इंप्लाइज बी का, ए इंप्लाइज बी का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो वो ये था, ए इंप्लाइज बी, अगर कहीं लिखा है तो आप लिखेंगे नेगेशन ऑफ ए और बी। इसको लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन। इस लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन को मैं अप्लाई करता हूं प्रेडिकेट नंबर वन पे, तो बी का आंसर निकलेगा यहां पे कुछ इस प्रकार से। वन पे अप्लाई करा तो ये हो गया नेगेशन ऑफ टॉप नेगेशन ऑफ टॉप और सपोर्ट y कॉमा एक्स, नेगेशन ऑफ टॉप और सपोर्ट, नेगेशन ऑफ a और b, सिंपल। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट, ये पूरा a मानिए और इसको b मानिए, तो a इंप्लाइज b में नेगेशन इस पूरे का करिए और करके ये जोड़ दीजिए। अब देखिए जब आप इस पूरे का नेगेशन करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट्स लग के ये नेगेशन हो जाएगा, और नेगेशन जब ब्रैकेट पे लगता है तो डी मॉर्गन्स लॉ फॉलो होता है, विच मींस ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, मतलब ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ अबव, ये जो एंड है ये ऑटोमेटिकली और हो जाएगा, और उसके बाद नेगेशन ऑफ टच एक्स वाई, और उसके बाद फिर ये जो एम्प्लाइज है ये और बन जाएगा, क्योंकि इम्प्लीकेशन लॉ क्या कहता है, नेगेशन ऑफ ए और बी। तो इतने पूरे में तो नेगेशन ऑफ ए करा आपने, ये देखिए नेगेशन ऑफ ए करके दिखा रहा हूं मैं, पहले नेगेशन ऑफ ए करता हूं, तो नेगेशन ऑफ अबव एक्स कॉमा वाई, अब चूंकि डी मॉर्गन्स लॉ लगा होगा तो ये जो एंड है ये और बन जाएगा, क्योंकि आप जानते हो डी मॉर्गन्स लॉ ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। उसके बाद ये टच जो है ये भी नेगेशन का, क्योंकि नेगेशन तो पूरे पे गया है ना, तो ये लिखेंगे हम टच एक्स कॉमा वाई, और उसके बाद ये वाला जो लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन का और होता है ये लगाएंगे आप, और यहां पर टॉप एक्स वाई जो लिखा है उसको लिख देंगे टॉप एक्स कॉमा वाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मिटा क्यों नहीं रहा इसको, इसको रब क्यों नहीं कर रहा, तो उसमें भी मेरा एक लालच है, वो ये सुनिए कि जब भी मैं न्यूमेरिकल इस टाइप का करता हूँ तो मैं डेटा को एक साथ एक ही पेज पर रखता हूँ ताकि गलती की गुंजाइश कम से कम हो, आप भी ऐसा ही करिएगा। पॉइंट नंबर थ्री, इसका कोई झगड़ा से लेना देना नहीं है, यहाँ पर सिंपली लिखूंगा मैं अबव, अबव क्या लिखा है, कप कॉमा बुक, उसके बाद चौथे नंबर पे यहां पे लिखूंगा टच, टच में सिंपली कप कॉमा बुक। यहां पे आके मैं अगर इतना पहुंच गया तो शायद मैं ये कह सकता हूं कि मैंने बी नाम का जो आंसर था वो कर दिया, बी नाम के आंसर को मैंने सॉल्व कर दिया, और बी नाम के जो सॉल्यूशन था वो क्या था कि क्लॉज में कन्वर्ट करिए। ये फिलहाल अभी फिलहाल देखा जाए तो ये क्लॉज फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहां से हम पढ़ेंगे अगला इस क्वेश्चन का सी पार्ट, हमने ए पार्ट भी देख लिया, बी पार्ट भी देख लिया, और सी पार्ट अब क्या कहता है। सी पार्ट ये कहता है कि आप प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन अप्लाई करिए इन क्लॉजेस पे, और देखिए ये प्रेडिकेट्स थे इनको क्लॉज में कन्वर्ट कर लिया, अब ये 1 2 3 4 ये कितने, चार क्लॉज बन गए, और अब आपको इन क्लॉजेस के दम पे रेजोल्यूशन लगाना है इन क्लॉजेस के बीच में, और आपस में रेजोल्यूशन जब आप लगाएंगे तो आपको आंसर प्रूफ करना है, और आंसर है जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वेदर बुक सपोर्ट्स कप, मतलब मैं अगर आपके सोचने के लिए यहाँ पे लिख देता हूं जो आंसर मुझे चाहिए वो क्या चाहिए, सपोर्ट बुक
कॉमा कप, इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, मुझे इसको ढूंढना है और मैं इसको अगर ढूंढूंगा तो आप देखें चार क्लॉजेस में मुझे कहां मिलेगा ये। पहली बात तो ये कि ये टॉप है, ये अबव है, ये टच है, ये टॉप है, ये अबव है, ये टच, सपोर्ट सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है। अगर इस सपोर्ट के अंदर मैं वाई की वैल्यू बुक डाल दूं और एक्स की वैल्यू कब डाल दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन परेशानी क्या है कि ये अगर आ भी गया, उसमें वैल्यू डाल भी दी, तो ये साथ में इसके जुड़ा हुआ है और के साथ है और ये साथ में जुड़ा हुआ है। जब तक ये इस क्लॉज से हटेगा नहीं तब तक आंसर प्रूफ नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं नेगेशन ऑफ टॉप की बात करता हूं। हम सब जानते हैं कि नेगेशन वाला आइटम जो है वो हमेशा अपने खुद से एलिमेंट से कटता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहीं ए लिखा है तो उसको खत्म कौन करेगा, नेगेशन ऑफ ए। अगर कहीं मैंने प्लस वन लिखा है तो उसको माइनस वन जैसे खत्म करता है, वैसे ही यहाँ पर नेगेशन ऑफ टॉप लिखा है। इस नेगेशन ऑफ टॉप को अगर देखोगे तो इसको खत्म कौन करेगा, इसको खत्म करेगा ये टॉप, क्योंकि ये नॉर्मल वाला टॉप है। तो परेशानी क्या है कि ये नॉर्मल वाला टॉप भी अकेला नहीं है। अब ये नॉर्मल वाला टॉप अगर अकेला होता तो बड़ी आसान से हम इन दोनों के बीच में रेजोल्यूशन लगाते और काम कर लेते। लेकिन परेशानी क्या है कि टॉप जो है इसके साथ भी ये दो चीजें जुड़ी हुई हैं। अब ये दोनों चीजें जो हैं अगर ये हट जाएंगी तो शायद ये टॉप अकेला बच जाएगा। फिर इस टॉप को हम इस टॉप से कंपेयर करा देंगे और काम हो जाएगा हमारा। सपोर्ट हमें फ्री चाहिए था वो मिल जाएगा। लेकिन उस इंग्रेडिएंट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस नेगेशन ऑफ अबव को इस अबव से मैच कराना पड़ेगा। अगर ये ऐसा हो गया तो शायद काम थोड़ा बन जाए। तो हम लिखेंगे, हम सॉल्यूशन जो सर्च कर रहे हैं, आप सी सॉल्यूशन सर्च कर रहे हैं, उसमें हम लिखेंगे अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन बिटवीन क्लॉज नंबर 2 एंड क्लॉज नंबर 3 पुटिंग एक्स इज इक्वल टू कप एंड वाई इज इक्वल टू बुक। हम फिर से बोलते हैं अप्लाई रेजोल्यूशन बिटवीन क्लॉज नंबर 2 एंड क्लॉज नंबर 3 पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स कप एंड वाई इज बुक। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या, बचेगा जो वो होगा क्लॉज नंबर 5, क्योंकि आप यहाँ पे रेजोल्यूशन कर रहे हो, रिजोल्व कर रहे हो चीजों को। तो आपका नया आंसर आएगा नेगेशन ऑफ, मतलब वो वहीं का वहीं दिखा रहेगा एज इट इज, इसको छेड़ना नहीं है, टच एक्स कॉमा वाई, और टच के साथ एक्स जो है वो वैल्यू डल चुकी है अब कप और बुक। शायद यही यूनिफिकेशन एल्गोरिथम होती है जिसमें आप एक्स की वैल्यू को कप से या वाई की वैल्यू को बुक से रिप्लेस कर रहे हो अपने आंसर तक पहुंचने के लिए। ये हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स के अंदर, यूनिफिकेशन एल्गोरिथम क्या होती है। फिलहाल अभी आप ये न्यूमेरिकल कंप्लीट करें। अब और क्या लिखा है, टॉप एक्स कॉमा वाई मतलब कप कॉमा बुक। इसलिए वीडियो के एंड में ये पूरा न्यूमेरिकल आपको दिख भी जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल समझ लीजिए कि मैंने किया क्या। मैंने इन दोनों के बीच में रेजोल्यूशन लगाया, 2 और 3 के बीच में लिखा भी है अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन बिटवीन क्लॉज नंबर 2 एंड क्लॉज नंबर 3 पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज कप एंड वाई इज इक्वल टू बुक। इतना कर लिया। अब ये जो है नेगेशन ऑफ टच, ये मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि मुझे तो टॉप चाहिए था, क्योंकि मैं टॉप जब अकेला मिलेगा तब इस टॉप को टॉप से मिलाऊंगा काम हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि नेगेशन ऑफ टच जो है वो किससे खत्म होगा, 4 से। तो हम लिखेंगे अगली लाइन अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन बिटवीन क्लॉज नंबर 4 एंड क्लॉज नंबर 5, और कोई वैल्यू डालने वाले की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू उसमें डली हुई है। ये भी कब बुक है और वो भी कब बुक है। अगेन अगर ये बुक कब होता तो कैंसिल आउट नहीं होता, क्योंकि एक्स वाई लिखना और वाई एक्स लिखना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए फिर से बताता हूँ, ये नेगेशन ऑफ टच लिखा है और इसको हम इस पॉजिटिव वाले टच से खत्म करेंगे और हम रेजोल्यूशन तो लगाएंगे क्लॉज के बीच में लेकिन वैल्यू डालेंगे नहीं, क्योंकि वैल्यू डालने की जरूरत है भी नहीं। तो हम लिखेंगे सिर्फ एक लाइन अप्लाई रेजोल्यूशन बिटवीन क्लॉज नंबर 5 एंड 4 या 4 एंड 5 वी गेट क्लॉज नंबर 6। क्लॉज नंबर 6 है टॉप कप कॉमा बुक, जिसका मुझे इंतजार था वो आ गया टाइम जिसमें मुझे टॉप मिल गया। अब मुझे मालूम है कि मुझे टॉप को टॉप से मैच कराना है, और आप जानते हो मैं बोलने वाला हूं अगली लाइन अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन बिटवीन क्लॉज नंबर 1 एंड क्लॉज नंबर 6। लेकिन एक परेशानी है, क्लॉज नंबर 6 जो है उसके अंदर तो वैल्यूज डली है लेकिन क्लॉज नंबर 1 में कोई वैल्यू नहीं डली। ये वैल्यू डलना बेहद अहम है, बेहद जरूरी है। तो हम लिखेंगे अप्लाई रेजोल्यूशन बिटवीन क्लॉज नंबर 1 एंड क्लॉज नंबर 6 पुटिंग एक्स इज इक्वल टू कप एंड वाई इज इक्वल टू बुक। जब आप एक्स की वैल्यू कप और वाई की वैल्यू बुक रखोगे वन वाले में तो ये टॉप से टॉप उचक जाएगा, ये टॉप से टॉप खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या, 7 नंबर पे बचेगा सपोर्ट वाई। वाई क्या है आपकी, बुक
कॉमा कप, जिस मूवमेंट पे आप यहाँ पे पहुंच गए उस मूवमेंट पे आप आंसर की तरफ देखेंगे, और यही था आपका रिक्वायर्ड आंसर जिसको आपको ऐसे करके डेकोरेट करना है और लिखाना है कि बुक सपोर्ट्स कप। इस न्यूमेरिकल के एंड में आप इसको थोड़े स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे, जमा हुआ देखेंगे, ताकि आपको इसमें आगे फायदा मिले। थैंक यू सो मच।